अमित का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले मिस्र का ख्याल आता है, क्योंकि वहां दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमय पिरामिड्स खोजे गए हैं। हर साल लाखों की संख्या में सैलानी इन पिरामिड्स को देखने के लिए पहुंचते हैं। आज से लगभग 4 से 5 हजार साल पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पिरामिड्स का निर्माण हुआ था, जिसमें मिस्र, सुमेरिया, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया और असीरिया के पिरामिड शामिल हैं। लेकिन क्या आप पिरामिड से जुड़े अद्भुत रहस्यों के बारे में जानते हैं? शायद नहीं। तो आइए जानते हैं पिरामिड्स से जुड़े कुछ जादुई रहस्य जो यकीनन आपको चौंका देंगे। स्वास्तिक है पिरामिड का प्रतीक। आपको ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन पिरामिड का प्रतीक स्वास्तिक है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक को शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक का आविष्कार आर्यों द्वारा किया गया, जिसे आज विश्व भर में जाना जाता है। इस बात को जांचने के लिए आप एक कागज का स्वास्तिक बनाइए और फिर उसकी चारों भुजाओं यानी कोनों को नीचे की ओर मोड़कर बीच से पकड़ लीजिए। ऐसा करने पर स्वास्तिक पिरामिड के आकार का दिखाई देगा। घर के वास्तु को ठीक करने के लिए स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता है। पिरामिड पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया के सभी पिरामिड उत्तर दक्षिण एक्सिस पर बने हैं, यानी सभी पिरामिड्स को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के प्रभाव को जानकर बनाया गया है। दरअसल उत्तरी दक्षिण गोलार्धों को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की चुंबकीय रेखा होती है, जो सीधे विद्युत तरंगों यानी इलेक्ट्रिक वेव्स से जुड़ी होती है। ये तरंगे इकट्ठा होकर पिरामिड के अंदर मौजूद वस्तुओं और मनुष्यों पर प्रभाव डालती हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि प्राचीन समय के लोगों ने बिना किसी तकनीक का इस्तेमाल किए पिरामिड का निर्माण इतनी समझदारी से किया। पिरामिड में होती है जादुई शक्तियाँ। विशेषज्ञों की माने तो पिरामिड के अंदर कुछ अद्भुत शक्ति होती है, जो ब्रह्मांड में मौजूद अच्छी और बुरी शक्तियों को खींच लेती है और ऊर्जा से भरा वातावरण तैयार करने में सक्षम होता है। पिरामिड जीवित और मृत हर तरह की चीजों को प्रभावित कर सकता है। अगर किसी लकड़ी या कागज के छोटे पिरामिड में खाने की कोई चीज रखी जाए तो उसके गुणों में बदलाव आ जाता है। पिरामिड में रखी चीज लंबे समय तक सड़ने या खराब होने से बची रहेगी। इसी वजह से प्राचीन समय में राजाओं के शव पिरामिड में रखे जाते थे। जादुई प्रभाव के लिए सही हो दिशा। माना जाता है कि पिरामिड की शक्ति को जांचने के लिए उसका सही दिशा में होना बेहद जरूरी है। अगर पिरामिड उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाए तो चीजों पर सकारात्मक प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। लेकिन अगर गलती से भी पिरामिड को सही दिशा में रखकर इस्तेमाल ना किया जाए तो उस पर प्रयोग करने वाले व्यक्ति का सिर दर्द होने लगता है या वो बीमार पड़ सकता है। कई मामलों में देखा गया है कि सही दिशा में रखे गए पिरामिड के अंदर बैठने से सिर और दांत दर्द ठीक हो जाता है। वहीं पिरामिड के अंदर रखे पानी को पीने से पाचन संबंधी दिक्कतों से निजात मिलती है। पिरामिड पर की गई रिसर्च से ये बात सामने आती है कि इसमें रखे पानी को चेहरे पर लगाने या उससे मुंह धोने पर त्वचा की झुर्रियां मिट जाती हैं और व्यक्ति लंबे समय तक जवान रहता है। रिसर्च में ये भी पाया गया कि पिरामिड के अंदर बैठकर साधना या ध्यान करने से व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है और शरीर में नई स्फूर्ति का एहसास होता है। पिरामिड की जादुई शक्तियाँ व्यक्ति के मन और बुद्धि पर विशेष प्रभाव डालती हैं, जिसकी वजह से शांति का अनुभव होता है। पिरामिड के अंदर तेजी से बढ़ते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधों पर भी पिरामिड का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक रिसर्च के दौरान एक प्रकार के पौधों को पिरामिड के अंदर और बाहर रखा गया। इसके जो नतीजे सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। पिरामिड के अंदर रखा पौधा बाहर रखे पौधे से दोगुना तेजी से बढ़ता है। दरअसल पिरामिड की ऊर्जा तरंगे पौधों की वृद्धि पर तेजी से प्रभाव डालती है, इसलिए उसमें रखे गमलों में बीज बोने से वो जल्दी और अच्छी तरह से अंकुरित होते हैं। बीमार या सुस्त पौधों को सेहतमंद बनाने के लिए भी पिरामिड में रखा जा सकता है। दुनिया में कई जगह बनाए गए आधुनिक पिरामिड। पिरामिड की संस्कृति को लेकर दुनिया भर में मिस्र सबसे लोकप्रिय देश है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके कहां-कहां पिरामिड बनाए गए थे?
लॉस वेगस में 4000 कमरों वाले होटल लग्जर को पिरामिड की शक्ल दी गई है, जबकि पेरिस के लॉवरे में शीशे यानी ग्लास का इस्तेमाल करके पिरामिड बनाए गए हैं। कजाकिस्तान में 203 फीट ऊंचे पिरामिड का निर्माण किया गया है। भारत के पुणे में स्थित ओशो आश्रम में ध्यान लगाने के लिए 2 विशालकाय पिरामिडों का निर्माण किया गया। असम में है रहस्यमयी पिरामिड। असम के शिवसागर जिले के चारडियो में अहोम राजाओं की विश्व प्रसिद्ध 39 कब्र हैं। इस क्षेत्र को मोइडम कहा जाता है, जिनका आकार पिरामिड नुमा है और उनमें अहोम राजाओं का खजाना रखा गया था। अहोम राजाओं की मौत के बाद मुगलों ने उनके खजाने को लूटने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। कहते हैं कि इस खजाने को पाने के लिए सेनापति मीर जुमला ने कब्रों की खुदाई करवाना शुरू कर दिया था। उसने वहां कई मोइडमों को तहस नहस करवा दिया, लेकिन खुदाई के कुछ दिनों बाद ही मीर जुमला की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने भी इन कब्रों को खोदने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक कई लोगों की मौत हो गई। फिर म्यांमार के सैनिकों ने कब्र पर हमला कर खजाने को लूटने की कोशिश की, लेकिन उन्हें खून की उल्टियां होने लगी और वो सभी मारे गए। कहा जाता है कि इन कब्रों में अहोम शासक चिर निद्रा में सो रहे हैं। इन राजाओं को जिसने भी जगाने की कोशिश की उसकी मौत हो गई। मिस्र के पिरामिड। जब भी पिरामिड की बात आती है तो मिस्र के पिरामिड्स पर चर्चा जरूर होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? दरअसल मिस्र के पिरामिड पूरी दुनिया के पिरामिड्स में से सबसे अच्छी हालत में है, जबकि भारत, चीन और मध्य एशिया के पिरामिड युद्ध में तबाह हो गए। मिस्र में 138 पिरामिड हैं, वहीं काहिरा के उपनगर गीजा में 3 पिरामिड मौजूद हैं। हालांकि जमीन के अंदर इससे ज्यादा संख्या में पिरामिड दबे होने की आशंका है। गीजा का ग्रेट पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ये पिरामिड 450 फुट ऊंचा है। ये लगभग 4000 साल तक दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा है। अमेरिका का पिरामिड। अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मेक्सिको, होंडुरास और युकाटन प्रायद्वीप में रहती थी। ये खेती पर आधारित एक सभ्यता थी। पुरातत्वविदों का मानना है कि ईसा से 1000 साल पहले माया सभ्यता के लोगों ने अनुष्ठानिक इमारतों यानी पिरामिड्स का निर्माण शुरू कर दिया था, जो उन्होंने धार्मिक केंद्रों के रूप में बनाए थे। लेकिन सन 900 के बाद माया सभ्यता के नगरों का नाश होने लगा और पूरा शहर खाली हो गया। एंटार्क्टिका में पिरामिड। साल 2013 में अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों ने बर्फीले एंटार्क्टिका में 3 पिरामिड्स की खोज की थी, जिनमें से एक पिरामिड समुद्र तट के पास खोजा गया था, जबकि 2 दूसरे पिरामिड 16 किलोमीटर दूर समुद्र में डूबे हुए थे। ये तीनों पिरामिड मानव द्वारा निर्मित हैं, क्योंकि हजारों साल पहले अंटार्कटिका बर्फीला होने के बजाय पेड़ पौधों और हरियाली से ढका हुआ था। उस दौरान वहां इंसानी सभ्यता का वास था, लेकिन आज अंटार्कटिका महाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। भारत में पिरामिड। भारत में कैलाश चोटी एक पिरामिड नुमा पर्वत है। प्राचीन काल में हिंदू राजा महाराजा कैलाश पर्वत को देखकर अपने मंदिर और महलों की स्थापना करते थे। सनातन धर्म के मंदिरों की छत पर बनी त्रिकोणीय आकृति उन्हीं प्रयोगों में से एक है, जिसे वास्तुशास्त्र और वैज्ञानिक भाषा में पिरामिड कहा जाता है। यह आकृति अपने आप में बेहद अद्भुत है। दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिरों के गोपुर, शिखर और चारों कोने पिरामिड आकृति में बनाए गए हैं, ताकि व्यक्ति को उससे भरपूर ऊर्जा मिलती रहे। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की कुटिया भी पिरामिड के आकार की होती थी? हालांकि कुछ जानकार बताते हैं कि आज से लगभग 5000 साल पहले जब मिस्र में पिरामिड्स का निर्माण हुआ, उस समय भारत की जलवायु संतुलित और काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से यहाँ पिरामिड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मिस्र के गर्म और रेगिस्तानी इलाके में पिरामिड बनाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं था, क्योंकि पिरामिड में पीने का पानी संरक्षित करने के साथ साथ बिजली का उत्पादन भी किया जाता था। पिरामिड में क्यों रखे जाते हैं शव?
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिरामिड को बनाने का खास मकसद होता था शवों को रखना। खास तौर से मिस्र में ये मान्यता थी कि राजा और उसके परिजनों की मौत के बाद उन्हें ममी के रूप में पिरामिड में दफन किया जाए। यही नहीं, इस परंपरा के अनुसार राजा के साथ उनके रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और गहने भी पिरामिड में रखे जाते थे। दरअसल पिरामिड में रोशनी, जलवायु और ऊर्जा का प्रवाह एक संतुलित रूप में रहता है, जिसकी वजह से कोई भी वस्तु जल्दी खराब या सड़ती नहीं है। प्राचीन काल के लोग इस रहस्य को जानते थे, इसलिए वो अपनी कब्र पिरामिड में रखते थे और उसे इतना भव्य आकार देते थे कि वो हजारों साल तक कायम रहे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि शव को दफनाने के लिए बनाए गए पिरामिड में आज तक कोई कब्र या ममी नहीं खोजा गया। विशेषज्ञों का मानना है कि पिरामिड के नीचे कई रहस्यमयी कमरे या जगह मौजूद हैं, जहां राजाओं को ममी के रूप में दफनाया गया है। और अगर ये ममी इंसान को मिल भी जाए तो उन्हें इतने साल तक संरक्षित करने का क्या मतलब। कहा जाता है कि हर रोज कुछ समय पिरामिड के अंदर रहने से व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। पिरामिड के शिखर पर चमकती है बिजली। मिस्र के पिरामिड्स को लेकर आज भी कई शोध जारी हैं। हालांकि इन पिरामिड्स के अंदर क्या है ये जानने में अभी और समय लगेगा। वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि पिरामिड के शिखर पर ऐसा क्या है जो वो इतनी तेज बिजली का उत्पादन कर सकता है। तो ये थे पिरामिड्स से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य, जिनके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह गए होंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।